तो आप लोग का स्वागत है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया संवाद कार्यक्रम में। और आज हम लोग बातचीत करेंगे गौतम कुमार पीतम जी से, और संचालन कर रहे हैं बिहार के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और कोसी नव निर्माण मंच और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़े हुए महेंद्र यादव जी। आज सभी को नमस्ते, आदाब। आज हम लोग एक युवा समाजवादी साथी से बात कर रहे हैं, गौतम कुमार प्रीतम जी। गौतम कुमार प्रीतम जी गांधीवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लंबे अरसे से समाज के वंचित तबकों के लिए उनके हकों को लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते आ रहे हैं। वो सोशलिस्ट युवजन सभा के महासचिव हैं और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार चुनाव में बिहपुर विधानसभा भागलपुर बिहार के उम्मीदवार भी हैं। सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, जेपी, डॉक्टर लोहिया, अच्युत वर्धन, यूसुफ मेहर अली जैसे चिंतकों द्वारा पोषित भारत की समाजवादी आंदोलन और विचारधारा का वाहक सोशलिस्ट भारतीय सोशलिस्ट पार्टी है। यह भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकृत है। जो लोग बिहार में जन आंदोलनों को समझते हैं, भागलपुर, बीरपुर, वहाँ के स्थानीय समस्या से लेके और बड़े लेवल के समस्या तक, जो आंदोलनों को समझते हैं, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को समझते हैं, दलित वंचित समुदाय, उन सभी के साथ अगर कहीं जुल्म होता है, उत्पीड़न होता है, तो भागलपुर सहित उस क्षेत्र में एक नाम जरूर सुनने को मिलता है, गौतम प्रीतम जी का। आज हम लोग उन्हीं से बात करते हैं। गौतम प्रीतम जी का हार्दिक स्वागत है। और धन्यवाद। गौतम प्रीतम जी राजनीति में भी कदम रखे हैं। पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव बीरपुर विधानसभा से लड़े थे, इस बार भी बीरपुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से उम्मीदवार होने वाले हैं। हम बातचीत के क्रम में पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कदम रखने का फैसला कब और किस परिस्थिति में क्यों किए, गौतम जी? जी शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को फुल जोहार, नमस्ते, जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद। महेंद्र भाई, जैसा कि आपने मेरा बहुत लंबा परिचय दे दिया, खैर मैं राजनीति में, असल में मेरा जो राजनीति में आना हुआ, मैं स्पोर्ट्स में था और खेल कूद की वजह से कभी विधायक, कभी मंत्री और इन लोगों को बुलाया करता था। तो एक उम्मीद होता था कि उनको बुलाते हैं तो हमारे यहाँ खेल का स्टेडियम बन जाएगा, हमारे यहाँ की जो है सड़कें अच्छी हो जाएगी। हमारा एक आंदोलन भी चलता था कि बीरपुर जो है वो आजादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जगह रही है और सैकड़ों यहाँ पर लोग क्रांतिकारी लोग हुए, कई लोग जेल गए, कई लोग शहीद हुए, तो उनका कोई स्मारक हो, कोई उनके नाम से पार्क हो, कई तरह की चीजें हमारे दिमाग में घूमता रहता था। तो वो हम वहाँ जो हमारे मौजूदा उस समय के विधायक हुआ करते थे आरजेडी से, फिर सरकारें बदली, फिर जदयू से लोग आए, उन सब लोगों को बुलाया भी करते थे। लेकिन मोटे तौर पे सभी ने ठगने का काम किया और कभी वो जो कहते हैं ना कि झांसा देने वाला था। तो मुझे लगा ये सब सिर्फ जाति धर्म का जो है राजनीति करता है, अगर कोई स्थानीय विकास का मुद्दा पर हम बात करें तो वो नहीं करता। अंततः और तब तक मैं राष्ट्रवाद दल से जुड़ चुका था, फिर सोशलिस्ट पार्टी का पुनर्गठन से पहले एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सप्त क्रांति विचार यात्रा के नाम से पूरे देश की एक यात्रा हुई, मैं उससे जुड़ा। और फिर लगा कि नहीं, बीरपुर को एक विकल्प चाहिए और एक वैकल्पिक राजनीति के बतौर हम यहाँ पे खड़े हुए और मैं संघर्ष करना शुरू किया। फिर जनता की जो आवाज है और इस तरह से लगातार हम उठाते रहे, लोगों में एक उम्मीद जगी। फिर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 में मुझे यहाँ पर एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। यहाँ के जो हमारे जनता है, हमारे जो मित्र हैं, जो इसके समर्थक है कि नहीं, सही में ये जाति धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रहा है उससे बेहतर एक अच्छा राजनीति हो, और उस तो वो मतलब हम यहाँ पर राजनीति में आ गए और सक्रिय राजनीति में आ गए, चुनावी राजनीति में भी हम यहाँ आ गए। जी,
जब आप चुनावी राजनीति में आए तो आपके हिसाब से बिहार में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, और पूरे देश में कहिए तो बिहार एक पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में आपके नजरिए से बिहार की प्रमुख समस्या क्या है और उसका हल कैसे किया जा सकता है? गौतम, बिहार के संदर्भ में अगर यहाँ के लिए देखा जाए, यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या कहें बिहार की राजनीति में, तो सबसे बड़ी समस्या इस बिहार के अंदर है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, शिक्षा और बेरोजगारी। अब देखेंगे कि बिहार से जो हमारे नौजवान, जैसे भारत कहता है कि युवाओं का देश, और बिहार उसमें भी सबसे ज्यादा युवा है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ के युवा पलायन करते हैं, और उस पलायन का कारण क्या है कि हमारे यहाँ का शिक्षा और जो रोजगार दोनों मूलतः जो है वो एकदम से सड़ी गली व्यवस्था है, और कहें तो सामाजिक न्याय के जो धुरंधर हुए हमारे बिहार में राजनीतिक पार्टी उनकी सरकारें हुए पिछले 30 सालों से, अगर कहें 35 सालों से, तो पिछड़ों के ही मुख्यमंत्री बिहार के अंतर्गत है, लेकिन उन्होंने कभी भी इनको सचेतन, जो एक शिक्षा का बात होना चाहिए वो नहीं हुआ। आयोग बना शिक्षा के नाम पर, प्रोफेसर मुचकुंद दुबे उसके अध्यक्ष हुए, अनिल सदगोपाल जी जो हमारे शिक्षाविद हैं वो उनके सदस्य हुए, मदन मोहन झा उनके सचिव थे, पूरी एक सिफारिश आई, और उस सिफारिश में एक समान स्कूल शिक्षा प्रणाली को कैसे बनाया जाए, लगभग 300 से ज्यादा पृष्ठ का वो है, बहुत बेहतर है। लेकिन उस समस्या पर जो अभी वर्तमान हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उससे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। दूसरा है कि बेरोजगारी, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और उसके साथ साथ भूमि सुधार का, बंदोपाध्याय कमेटी बनी और यहाँ पर भूमि सुधार करना था, हवाई जहाज के द्वारा जो सर्वेक्षण और क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन फिर वो भी धूल फांक रहा है, वो फाइलें वो कहाँ है। तो बिहार में जो सबसे बड़ी है शिक्षा का, बेरोजगारी का, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लड़ाइयां हैं वो जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई में सबसे ज्यादा लोग उलझे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी पूरे राज्य की समस्या है, और हमेशा यहाँ बाढ़ भी होता है और सुखाड़ भी होता है। आप महेंद्र भाई जहाँ से आ रहे हैं आप देखेंगे कि वहाँ के अधिकतर किसान एक फसल से ज्यादा दूसरा फसल नहीं ले पाते हैं। हम लोग जहाँ, ये जो बिहपुर विधानसभा है, गंगा जो है वो दक्षिणी छोर पर है और उत्तरी छोर पर कोसी है, इस दोनों से हम लोग का जो जनता है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो त्रस्त रहते हैं। तो बिहार का जो समस्या है वो सबसे प्रमुख है, शिक्षा, बेरोजगारी और जो भूमि का बंटवारा है वो सबसे बड़ा समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा, रोजगार, वाकई अभी कोरोना संकट में जिस तरह से बिहार मजदूरों की दुर्गति हुई है, एक तरह से लौलुहान होकर सड़कों पर मारे फिर रहे थे, तो रोजगार के कारण है, और आज शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है कहीं छुपी नहीं है। और पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी बोले थे कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं कॉमन स्कूल को लागू करूंगा और शराबबंदी को लागू करूंगा। शराबबंदी तो उन्होंने लागू की, लेकिन किस कारण से शिक्षा पे वो कुछ किए, जिस कारण से किए तो आप शिक्षा रोजगार को मानते हैं। ये अभी के दौर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, उनके एजेंडे से ये आखिरी पैदान होगा या नहीं के बराबर है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप इसी क्षेत्र से प्रत्याशी थे, इस इलाके की आपके नजरिए से क्या अहमियत है, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालते हुए विस्तार से बताइए। जी, पहला तो बिहपुर विधानसभा का जो यह क्षेत्र है वो कृषकों का क्षेत्र है, कृषि प्रधान यह क्षेत्र है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहपुर विधानसभा के अंदर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, जो भी है या तो पलायन करके बाहर में रोजगार करेंगे, या आधा परसेंट 1% के आसपास जो है कुछ सरकारी नौकरी में है, और वो जो कहेंगे नीतीश कुमार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ शिक्षक हो गए। तो यहाँ पर जो बिहपुर विधानसभा को देखेंगे तो गंगा और कोसी के इस बीच में जो है काफी उपजाऊ जमीन है,
सही से, जैसे अभी हम लोग बरसात के दिन में हैं, आप देखेंगे कि जगह जगह पे सड़कों पर पानी है, जगह जगह जो है आवागमन बाधित है, तो पानी का सही एक तो निकासी बीरपुर विधानसभा के लिए बड़ा समस्या है। बीरपुर विधानसभा के अंदर जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, जैसे आम का बहुत अच्छी खेती यहाँ पर आम का फसल आता है, बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण उन्नत किस्म का जो है यहाँ पे लीची होता है। आपको मालूम है किसी क्षेत्र से जरदालू आम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब जगह भेजते रहते हैं, तो आम का हो गया, लीची भी इतना बढ़िया यहाँ पे फसल होता है, केला मतलब केलांचल के रूप में ये बीरपुर विधानसभा जाना जाता है, मक्का की खेती जबरदस्त होती है, मक्का की खेती करके किसानों का कमर टूट रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। आप भी जाकर के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था, हम लोगों ने भी यहाँ पर धरना अनशन सब किया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो जो हमारे बीरपुर की जो समस्या है, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, जो हमारे यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, महिला हैं और विपक्ष के भूमिका में हैं, लेकिन सरकार में भी वो रहे हैं, तो सरकार में रहते हुए भी कोई काम नहीं, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कोई विपक्ष की भूमिका नहीं। हाँ, तो ये जो हमारे यहाँ का जो राजनीति है, जिस तरह में मैं राजनीति के तौर पे आया, इसके पीछे यही वजह है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं वो सिर्फ अपने घर परिवार के बारे में सोचते, और कुछ जो अपना उनका कुनबा होता है, जो एक छोटा सा सर्कल होता है, कुछ ठेकेदारी कर लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया। तो यहाँ पर मकई का अगर इंडस्ट्री लगाया जाए, मकई के लिए कोई उद्योग लगाया जाए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे किसान जो है वो गाय पालन करते हैं, भैंस पालन का काम करते हैं, बकरी पालन का काम करते हैं, मुर्गी पालन का भी यहाँ पर काम होता है, उनका जो चारा है, उनका जो खाना फीड बनता है, उसका एक प्लांट यहाँ लग सकता है। हमारे यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग का जो है वो काम हो सकता है, लीची आम का हो सकता है, केला का इतना बड़ा उपजा होता है कि उसके केला के थम से फाइबर बन सकता है, केला का चिप्स बन सकता है, केला के बहुत सारे जो वेराइटीज हैं वो यहाँ तैयार हो सकता है। लेकिन किसानों का भी देखिए कि केला के जितने भी किसान हैं वो एकदम भूख भूख मरने के कगार पर है। बहुत लोग जो सड़कों को लहूलुहान करते हुए अपने घर तक आए हैं, अब उनका पैर ही सिर्फ वो लहूलुहान नहीं, अब तो हृदय भी है, आंख भी है और हाथ भी है, क्योंकि बच्चों का भोजन क्या देंगे। तो जो केला का खेती करने वाले किसान हैं, केला इस बार जो पूरा सावन के महीने में बहुत जगह बाहर जाता था, और ये जो अभी ये जो अगस्त का ये महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, केला के लिए बहुत ही मुख्य सीजन है, अभी केला का फसल यहाँ से बाहर बाहर जाता है, लेकिन लगातार लॉकडाउन के वजह से, मार्केट डाउन होने के वजह से, लोगों का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके वजह से किसानों का कमर टूटा। तो किसान का कमर टूटने का मतलब है कि किसान के जो सहयोगी मजदूर हैं, जो केला के खेत में काम कर रहे हैं, उसका रोजगार मर रहा है, और इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं है। मकई की खेती पर हमने आपको कहा कि मक्का खेती यहाँ जबरदस्त होती है, तो ये अभी जिस समय की गेहूं की खेती भी बहुत अच्छी होती है, जब हमारे यहाँ जो मजदूर पलायन बाहर गए थे वापस घर आ रहे थे, तो उस समय उस लॉकडाउन में आप देखेंगे कि जहां भी गेहूं की कटाई हो रही थी, तो जो मजदूर आए थे वो सब खेतों में जा जा करके गेहूं का कटाई किया, उस गेहूं के अनाज से उसका उस समय जो है फायदा मिला, लाभ मिला, सरकारी अनाज से नहीं मिला, सरकारी अनाज का जो गोदाम है वो बंद था। हम लोग जो सोशलिस्ट पार्टी ने यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया, उसमें रहना फाउंडेशन का भी महत्वपूर्ण, और हमारे यहाँ के जो स्थानीय साथी हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है, और लगभग हम लोगों ने 1600-1700 परिवार तक राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन उस वक्त भी ना सरकार के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चाहे उनके प्रखंड अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, या पदाधिकारी उनके पार्टी के होते, कोई मदद के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि जो यहाँ की वर्तमान विधायक हैं, महिला हैं, उन्होंने सुध नहीं लिया, जो पूर्व सांसद रहे हैं उन्होंने सुध नहीं लिया, जो वर्तमान यहाँ के जदयू सरकार के सांसद हैं उन कई तो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे उनका ये चल रहा था कि हमारे सांसद लापता हैं, कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं, कई तरह का मीम भी बनाया, कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, तो खैर मैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना तो जनता के बीच में ये मैसेज आ रहा था कि सरकार कहाँ है। तो सरकार जो है अभी आप देखेंगे कि चुनाव की तैयारी में जबरदस्त तरीके से भिड़ी हुई है सरकार, नई नई रोज घोषणाएं, अभी भी शिक्षकों के लिए एक जो है छोटा सा कुछ दे करके शिक्षकों को खुश करने के लिए कुछ एक फेंक दिया है एक टुकड़ा,
तो शिक्षकों का सम्मान यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे जो प्रखंड मुख्यालय है, हमारे अपने प्रखंड मुख्यालय बिहपुर विधानसभा के अंदर 3 प्रखंड मुख्यालय, नारायणपुर, बिहपुर, खरिक, सभी प्रखंडों में चले जाएं तो आपके जो कर्मचारी हैं, एक एक कर्मचारी 13 तरह पंचायतों को देख रहे हैं, ऑफिस में नगण्य कर्मचारी हैं, वीडियो है तो सीओ नहीं, सीओ है तो वीडियो नहीं, तो बड़ा ही एकदम से स्थिति खराब है। और जो दावा है सरकार का, हमेशा वो बड़े बड़े अखबारों में दिन भर, तो मीडिया उनका टीवी है, उन्हीं का पैसा से चलता है, तो उसमें दिख जाता है कि बहुत विकास हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जमीनी आपको बताऊं कि ये सच्चाई है कि जमीन पर कुछ नहीं है। मैं लगातार यहाँ के जो स्थानीय समस्या है उनको लेकर के सोशल मीडिया पर ही, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया तो हम लोगों का कुछ लगाता नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा कोई कबड्डी खेल का आयोजन कर दूं, वॉलीबॉल का आयोजन कर दूं, वो अखबार में अच्छा छप जाएगा, लेकिन जैसे सामाजिक मुद्दों पर अगर हम कोई बात करते हैं, समाज के लिए कोई चर्चा रखते हैं, उस पर कोई मैटर देते हैं, तो आप देखेंगे मक्का किसानों के लिए जो है हम लोगों ने वो धरना दिया, अनशन किया, एक प्रखंड मुख्यालय के पास जाकर के अपील दिया, तो वो सब मीडिया में बहुत छोटा सा जगह पे मिला। हम लोगों ने लगातार लॉकडाउन में जो हमारी जनता है, जिनमें हम लोगों ने तय किया था कि हम जिनको भी राशन पहुंचाएंगे उनका कोई फोटो कोई ये इस तरह का हम सोशल मीडिया और अन्य जगह पे नहीं लगाए। तो ये जो बिहपुर का, जो बिहपुर विधानसभा का रूप मतलब स्थिति है वो यही है कि यहाँ सिर्फ, मैं शुरू में कहा था, जाति और धर्म, एक विपक्ष जो भी बहतर वो कभी सत्ता में रहे, 15 साल तक सामाजिक न्याय के धुरंधर रहे, सत्ता में रहे, कोई उनका यहाँ पर अगर कोई वर्क को गिनाने लायक हो तो सड़कों का बनना और टूटना जारी है, बिजली गांव गांव घर पहुंचाया जा रहा है, तो बिजली में बड़ा घोटाला कि आपको बिजली बिल हमेशा सबका खड़ा बिजली बिल आता है, क्यों आता है, दो दो महीने पर बिजली बिल आता है, 2 महीने का एक साथ जोड़ करके जो उसका फीस जोड़ लिया जाता है। अभी हर घर में जो है जल नल योजना चला, सड़कों का हालत एकदम से सब गली को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, घर घर जो नली पहुंचाने का है वो आ रहा है लेकिन अभी पानी नहीं आया। ये सब जो है कि सरकार सिर्फ लोक लुभावन जो है एजेंडा डाल करके जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा का बंटाधार किए हुए हैं, लेकिन मैट्रिक पास करेंगे तो 10,000, इंटर पास करेंगे 15,000, बीए पास कर जाएंगे 25,000। अब बताइए कि एक घर में सरकारी नोट 10 और 15, 25 और 25, 50,000 चला जाए तो वो वोट को खरीद रहे हैं ना, वो वोट को खरीदने का एक तंत्र बनाया हुआ है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग। आप क्यों नहीं अच्छा स्कूल बनाते हैं, अच्छे स्कूल में अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं देते हैं, गुणवत्तापूर्ण टीचर क्यों नहीं देते हैं, वहां आप देखेंगे कि हर एक बच्चे का प्रायोगिक परीक्षा होता है, प्रैक्टिकल, कभी बेचारा कोई केमिकल देखा भी नहीं होगा, कभी जो है HO2 कभी बनाया नहीं किया होगा, कभी जो लिथियम क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, ये कभी रासायनिक पदार्थों को देखा नहीं होगा, लेकिन क्या है कि उस पर एक किताब बनना है, स्कूल में गए टीचर को 50 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, मार्क्स मिल गया, ये चल रहा है। अभी ये सारी समस्या अगर मैं बिहपुर विधानसभा में देख रहा हूँ तो ये सिर्फ बिहपुर का थोड़ी समस्या है, तो बिहार के कोने कोने में ये समस्या है। तो यहाँ पर जो सरकार सत्ता में अभी जो एक हमारे विपक्ष के लोग डबल इंजन का सरकार कहते हैं, उस डबल इंजन के साथ में जो ट्रिपल इंजन वाले गए थे साथ होकर के सरकार, कुछ दिन सरकार में रहे भी चलाए, उसी क्रम में यहाँ के वो विधायक भी बने, और देख लीजिए हालत क्या है। हालत यही है कि बिहपुर की जनता त्राहिमाम है, वो एक नए लोगों को ढूंढ रही है, ढूंढने का काम कर रहे हैं कि कैसे कोई हमारा एक मजबूत जनप्रतिनिधि सामने आए। तो इस मजबूत जनप्रतिनिधि को सामने लाने के लिए मैं भी यहाँ पर एक पुरजोर कोशिश में हूँ कि मैं जनता की आवाज के साथ, जनता के मुद्दों के साथ, जो यहाँ का जन समस्या है वो समस्या ही हमारा मजबूत पक्ष होगा, और इसी पक्ष के साथ मैं बिहपुर विधानसभा को देखता हूँ। एक वर्षों से मांग रही बिहपुर विधानसभा का, क्योंकि बिहपुर विधानसभा को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। मैं 3 दिन तक यहाँ पे अनशन किया था सोशलिस्ट पार्टी के तत्वावधान में, और उस अनशन में ये हुआ था कि बिहपुर के अनुमंडल, बिहपुर में जो है DSP का पदस्थापना,
वो कागज पे है लेकिन अभी तक उनका यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुआ। ये सब काम कौन करेगा? जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ पर हमेशा जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वो उनका काम है। तो हम इस मुद्दा को लगातार महेंद्र भाई उठा रहे हैं। और बिल्कुल का जो आपने कहा कि हम पिछले साल चुनाव के प्रत्याशी थे, पिछले बार भी हमने कहा था कि मैं जाति के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा, मैं धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा, पैसे और शराब के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। हमारा जो जन समस्या है, जो हमारे स्थानीय समस्या है, जो हमारे राज्य की समस्या है, वो उस आधार पर हम आपके बीच जाएंगे। और अगर लगता है कि ये हमारे लिए लड़ सकते हैं, ये हमारी लड़ाई का, हमारे जो एजेंडा है, जनता का जो एजेंडा है, उस पर आप मजबूती से डट सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो आप में वोट करिएगा। और लगता है कि नहीं, वही जाति के राजनीति करने वाले ही अच्छे हैं, तो बतौर बने रहिए राजनीति जाति के धर्म के नाम पे लोगों के साथ करने वाले। तो ये हमारा बिहपुर के इस क्षेत्र में हमारा अब तक का जो है ये है महेंद्र भाई। जहां तक मैं समझ पाया कि आप कृषि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय जो जन समस्याएं हैं और उसके साथ जो राज्य की समस्याएं जुड़ी हुई हैं, इन सभी को देखते हुए आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं और जनता से सहयोग मांग रहे हैं। तो पिछले चुनाव में जो आपके अनुभव रहे हैं और वर्तमान चुनाव के जो आप अभी जो चुनाव सामने हैं, इसमें आपके रणनीति में क्या बदलाव है? पिछले चुनाव से अभी में लोग किस नजरिए से आपको देखते हैं और चुनाव लड़ने के जो आपकी रणनीति है, जो आपका लोगों को संबोधित करने का, उनकी समस्याओं को बताने का क्या आपका तरीका है? या यूं कहें कि जो जाति धर्म के नशे में लोगों को वोट नशा खिला दिया गया है, जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके हम सिर्फ वोट ले लेते हैं, वैसे में शिक्षा रोजगार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाना, किसी उनके शिक्षा उनके जीवन से जुड़े हुए बेहतरी के सवाल को कैसे आप उनको समझा पाएंगे चुनाव में अपने क्षेत्र की जनता को, और क्या आपकी रणनीति होगी? थोड़ा सा डिटेल में जी तो जी अच्छा है। हाँ महेंद्र भाई, ऐसा है कि पिछले चुनाव में जो धर्म का राजनीति का जो जूस पिलाया गया था वो उसके दिमाग में चढ़ा हुआ था। अभी क्या है कि 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, अब 2020 का चुनाव है, 2015, 2014, 2015, 2019 और अब 2020 का चुनाव है। तो मेरे पिछले बार चुनाव में क्या हुआ था, तो बहुत जो हमारे यहाँ की जो जनता है वो बतौर पॉलिटिकल हमको नहीं जानते थे। वो जानते थे कि एक सामाजिक काम करता है, सामाजिक कार्य करता है, लोगों के मुद्दा पर बात करते हैं, लेकिन एक जो है पावर पॉलिटिक्स में है, इस तरह से उनको भरोसा नहीं था कि चलो नौजवान है, खड़ा हो गया है, लेकिन एक भरोसा नहीं था। इस बार क्या हुआ है कि भरोसा भी बड़ा है। दूसरा क्या हुआ है कि मंदिर के नाम पर जो राजनीति किया, इनको क्या मिला? घंटी बजाने के लिए भी नहीं मिला। इनका जो कहता था कि भाई सारे नौजवानों का जो है 15 लाख और ये क्या क्या दे करके समझाया था, 1-1 करोड़, 3-3 करोड़, 2-2 करोड़ जो लोगों को हम रोजगार दें, तो छलावा हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि जो गांव गांव में जाकर के इस बार हमने रणनीति ये लिया कि जो हमारा मुख्य रणनीति है कि गांव में जाकर जो पलायन किए हुए हमारे मजदूर भाई यहाँ आए हैं, हमारी जो मजदूर बहनें आई हैं, जिन्होंने अपना पैर से लहूलुहान सड़क को किया, वो लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना कि देखो आपने तो जाति के नाम पे इनको वोट दिया था, आपके लिए खड़े नहीं उतरे। जिनको धर्म के नाम पे आपने वोट दिया वो भी आपके लिए खड़े नहीं हैं। आज इस भुखमरी का कारण क्या है? हमेशा धर्म का नाम पे चश्मा, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। भाई आपके भरोसे भगवान है, अगर मंदिर में चढ़ावा ना चढ़ाओ तो भगवान वहां पंडित भूखे रह जा रहे हैं, अखबार में छप रहा है कि भाई अब पंडित भूखे मरे क्योंकि वहां चढ़ावा नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो लोगों के बीच है एक संवाद करना, और अंत में क्या है, अंतिम तो लोगों को समाजवाद के तरफ आना ही है, कोई उपाय नहीं है। बस जरूरत ये है कि हम उनके बीच सही दर्शन, सही प्रस्तुति उनके पास रख सकें। हमारा जो अभी पॉलिटिकल साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता साथी हैं, उन सब ने इस बार महसूस किया है कि नहीं, उनके पास पॉलिटिक्स के लिए पैसा है, धन है, उनका बना बनाया स्ट्रक्चर है, हम लोगों के पास बना बनाया कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं है।
कि एक बार हमने कहा कि सारा जगह पे फ्लश हो गया, हमें हर एक जगह अपने से जाना है। हमारे टीम में कई एक वक्ताओं को अलग अलग टीम बना करके गांव गांव जाना होगा, इनके जो करतूत हैं उन करतूत को वहां पर विजुअल दिखाना होगा। जैसे आप आज ये हमारा वीडियो लाइव हो रहा है फेसबुक और यूट्यूब और कई जगह पर, तो ये सब जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से हम अपने ग्रामीण बंधु तक, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वहां तक पहुंचेंगे, उनके रोजगार का बात करेंगे, उनका शिक्षा का बात करेंगे, उनका जो दमन और शोषण है उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी खुशहाली कैसे हो सकती है, इस बदहाली से कैसे मुक्ति मिल सकती है, हम उन सब पर चर्चा करते हुए पर्चा लेकर के, पोस्टर लेकर के हम उनके दरवाजे दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्या है, जो सरकार है वो लॉकडाउन का डेट बढ़ा रहा है। अब जांच बढ़ेगा तो कोरोना का संख्या बढ़ेगा, जांच शुरुआत में नहीं किया, शुरुआत में ही अगर जांच किया रहता तो ये जो भयावह रूप है वो नहीं होता। इसमें भी सरकार फेल है और इसी फेल होने के लिए वो हमेशा जो है कभी मंदिर का एजेंडा ले आते हैं तो कभी कुछ और ले आते हैं, इसीलिए वो अभी राम मंदिर पे फोकस करेंगे, कभी चीन की लड़ाई ले आएंगे, कभी पाकिस्तान की लड़ाई, पता नहीं इन लोगों का खाना इसी से पचता है। तो हम लोग जो बिहपुर विधानसभा का जो राजनीति है, दूसरा हमारे यहाँ जो अंधविश्वास है, हमारे ग्रामीण इलाकों में एक अंधविश्वास भी एक बड़ा मुद्दा है। हमेशा वो वोट मांगने जाएंगे किसी मंदिर में, खड़े हो जाएंगे और कहेंगे देखिए इस बार इस मंदिर में हम ये बना देंगे, हम चबूतरा बना देंगे, हम इसमें टाइल्स लगा देंगे, बस भाव विहुल होकर के उनको वोट दे देते। ये भी यहाँ के लोग करते हैं, तो हम उस पर भी काम करेंगे। हमारे यहाँ जो विस्थापित है, गंगा के कटाव से, कोसी के कटाव से जो विस्थापित है, बांध पर रहने को मजबूर है, एनएच का जो हाईवे है उस पर रहने के लिए मजबूर है, रेलवे के किनारे वो बसे हुए हैं, बहुत ही नरकीय जीवन जीते हैं, तो हम उन सब बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा है कि हमारे जो खास करके अल्पसंख्यक जनता है जिसे हमेशा यहाँ पर दोयम दर्जे का जनता बना करके, चाहे वह कांग्रेसी हो चाहे भाजपा के लोग हो और उनके साथ जो भी बी टीम हो, वो हमेशा इनको दोयम दर्जे का नागरिकता नागरिक बना करके रखा है, तो उनको भी समझना पड़ेगा। और जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो भी अल्पसंख्यक भाई हैं, उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप जो लगातार उसके झांसे में आ रहे हैं, आप हमेशा आपको एक डर दिखाता है कि ये देखो जी भाजपा जाएगा इसको हम रोकेंगे, भाजपा को जो लोग कहा कि हम रोक देंगे रोक देंगे, रोक पाया क्या? उन्होंने बीपी मंडल कमीशन के आने के साथ ही कमंडल लेकर के निकल लिया और उस कमंडल को रोकने का कोई भी कोशिश नाकाम हुआ, और वो इसलिए हुआ कि इन लोगों ने वैचारिक ही काम नहीं किया। आज हम लोगों के बड़े भाई संदीप पांडे हैं, पूरी सोशलिस्ट पार्टी की टीम है, कई हमारे एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक न्याय आंदोलन के साथी हैं, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के साथी, बहुत सारे साथी हैं, कोसी निर्माण मंच के भाई महेंद्र जी हैं, लगातार इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को जब तक हम समता मूलक समाज नहीं बनाएंगे तो ये जो अन्याय है, ये जो धोखाधड़ी है, ये जो लूट है, ये चलता रहेगा, और इसलिए अगड़ी जाति पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष चलता रहेगा, हिंदू बनाम मुस्लिम का संघर्ष चलता रहेगा, आदिवासी बनाम ईसाई का संघर्ष चलता रहेगा, सिख बनाम जो है बौद्धिस्ट, ये उलझा करके रखेगा। तो इसका जो एक काट है वो सोशल जस्टिस है और इसके लिए सोशलिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध है, लगातार सोशलिस्ट पार्टी भी इसके लिए काम करती आ रही है, सोशलिस्ट उसका युवा जन सभा जो उसका यूथ विंग है वो कर रहे, हम लोग भी यहाँ जो पूरी टीम है इसी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह समाज में एक सद्भाव, सद्भाव तब होगा जब जाति और धर्म के जो बुनियादी उसके जो कारक हैं, जो अन्याय के आधार पर बना ही है, जो पूरी वर्णीय व्यवस्था है, जो पूरे ये धर्म का जो हमेशा लड़ाई दिया जाता है, जो इसकी बुनियादें है, उस बुनियाद पर हम लोगों चोट करते हैं और उस बुनियाद को उखाड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही लड़ाई हमें सार्थकता की ओर ले जाएगा, यही लड़ाई सामाजिक निर्माण का काम करेगा। हो सकता है कि इस बार का जो चुनाव है, मैं चुनाव जीतूं या हारूं वो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है, चुनाव को बतौर हम एक आंदोलन के रूप में देखते हैं महेंद्र भाई, क्योंकि इस देश में आप देखेंगे कि लगातार हिंदी पट्टी में 30-40 सालों में, 40 साल से भी ज्यादा अगर आप कहेंगे, तो वैचारिक ही लड़ाई नहीं हुई,
जो विचार जाना चाहिए था, जिन मूल्यों पर गांधी कह रहे हैं, अम्बेडकर कह रहे हैं, लोहिया कह रहे हैं, पेरियार ललित सिंह यादव कह रहे हैं, या बाबू जगदेव प्रसाद कह रहे, बहुत सारे हमारे आइकॉन्स हैं, भगत सिंह कह रहे हैं, क्यों आखिर भगत सिंह लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं? तो ये जो विचार था वो विचार का काम बिल्कुल नहीं हुआ, कुर्सी का सेटिंग हुआ। चाहे वह यूपी के अंदर बहन मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, कल्याण सिंह हो, जो भी आए लोग, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जी से लेकर के नीतीश कुमार जी तक, रामविलास पासवान जी से लेकर के वहां रामदास अठावले तक, जितने भी लोग हैं, वो वैचारिक की जो संघर्ष है वो बिल्कुल से बंद कर दिया और वो विचार की लड़ाई बिल्कुल कुंद हो गई। इस कारण से लोहिया जी के बाद तो मुझे लगता है कि कोई विचार का काम हुआ ही नहीं, हिंदी पट्टी में एकदम से ठप हो गया। तो ये हिंदी पट्टी जो पूरे देश में एक राजनीति का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, यहाँ से राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है, तो वैचारिक ही काम नहीं हुआ। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी का भी ये मानना है कि हम जो चुनाव में उतर रहे हैं वह चुनाव हमारे लिए आंदोलन है, हम सामाजिक परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और इस रास्ते अगर हम सत्ता में जाते हैं तो हमारी जो ये आइडेंटिटी है, हमारी जो ये प्रिंसिपल है, उसके आधार पर हम काम करेंगे। और किसी के साथ भी अन्याय होता है तो वहां पर सामाजिक न्याय खतरे में है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर एक लोगों के साथ न्याय हो जाए, जाति के आधार पर भी भेद ना हो, धर्म के नाम पर भी भेदभाव नहीं हो, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं हो। इन तमाम मूल्यों पर सोशलिस्ट पार्टी काम कर रही है और इन मूल्यों के साथ ही हम बीरपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, बहुत मिजाज के साथ चुनाव लड़ेंगे, बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और अपने जो हमारे संसाधन है, संसाधन अब तो चुनाव इतना खर्चीला हो गया है कि इसमें करोड़ों करोड़ रुपया लगाते, तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। चुनाव सुधार पर हम लोग जो है सोशलिस्ट पार्टी ने लगातार 10 लाख लोगों का सिग्नेचर भेजा था पार्लियामेंट के अध्यक्ष महोदय के नाम से, तो हम लोग चुनाव का जो तरीका है उस पर भी हमारा टिप्पणी है, हमारा कि ये चुनाव सब लोगों के लिए एक जैसा जो है चुनाव का प्रचार जो है वो सरकार अपने स्तर पर करे, सरकार ही एक जगह पे होर्डिंग लगा दे और उसमें जितने प्रत्याशी हो उसका छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय दे दे और उसमें लिखे कि ये जेल गया है, ये इसके ऊपर बलात्कार का केस है, इसके ऊपर खून का केस है और ये इतने दिन से समाज के लिए काम कर रहा है। ये सारा सब एजेंडा है और इन सारी बातों को लेकर के महेंद्र भाई हम लोग बिहपुर विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। आशा करेंगे कि आप सब लोग भी उस चुनाव में आएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत बेहतर तरीके से स्थानीय मुद्दों को और उसको आप जाएंगे। आपने चर्चा के क्रम में बोला कि बिहारपुर की जनता समाजवाद को स्वीकार करेगी, आप समाजवाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में क्या भूमिका देखते हैं? अभी समाजवाद की कौन भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो कहिए तो कायदे से जो समाजवाद के नाम पर जो पार्टियां हैं, दल हैं और ये कुछ संगठन भी है, असल में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन उपाय दूसरा भी नहीं है, उनको भी ये सबक लेने की जरूरत है कि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जितने भी हमारे समाजवादी साथी हैं तथा कथित या सही में, हम कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन जो बगैर आप बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में अगर कहेंगे, जो कम्युनिस्ट हो वो भी समाजवाद चाहते हैं, जो समाजवादी भारत के संदर्भ में समाजवाद चाहते हैं वो भी चाहते हैं, लेकिन जो उसकी बीमारी वर्णीय व्यवस्था में है, जो धर्म का जो खेल है, जो जाति का जो खेल है और जो पूंजीवादी है और जो पूरा साम्राज्यवाद को स्थापित करना चाहते, इन सब का गठजोड़ है और इस गठजोड़ पर अगर हमला नहीं करेंगे, इसके जड़ पर हम पर चोट नहीं करेंगे, तो क्या लगता है कि समाजवाद हमारे लिए एक सपना नहीं रहेगा? तो खुल करके वक्त आ गया है कि खुल करके जोरदार तरीके से उस पर बोले और समाजवाद के लिए भूमिका है, इस भूमिका के साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अब जैसे गांधी कहते हैं कि आत्मा परिवर्तन, आत्मा परिवर्तन हो गया क्या इतने दिनों में? हम तो शताब्दी भी मनाए बापू का, बापू का स्टेचू बन गया, जिस आरएसएस के लोगों को, हजारों हजार लोगों को जेल में डालने का काम सरदार पटेल ने किया, सरदार पटेल का चाइना से आयातित मूर्ति खड़ा कर दिया,
जिससे लड़ाई है उसकी जो ध्रुवीकरण है, वो जो दक्षिण पंथी वो लाना चाह रहा है राज, वो ले आया है भारत में और मजबूती कर रहा है। बहुत लोग हमारे समाजवादी कहते हैं, अरे चलो चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आ गया तो अब उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, राम मंदिर बन गए। कांग्रेस ने से लेकर के तमाम लोग चुप रहे, लेकिन हम लोगों ने उस दिन को काला दिवस मनाया। इसलिए काला दिवस मनाया कि कोर्ट फैसला न्याय देने के लिए है, कोर्ट फैसला देने के लिए नहीं है। और समाजवादी चुप बैठे, किस कोरोना के डर से चुपचाप बैठे हैं भाई? संदीप जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लगातार एक दिन भी नहीं बैठे हैं और प्रोटेस्ट भी किए, सीए एनआरसी एनपीआर पे प्रोटेस्ट किए, पूरा जो लॉकडाउन के अंदर लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाना, खाना बनाकर उनके घर को टिफिन देना, इनको भी थोड़ा कोरोना हो गया, हम लोगों को थोड़ा सा कष्ट हुआ कि इनको कोरोना हो गया और कोरोना से जीत करके सामने चले आए। तो हमारे जो बहुत सारे समाजवादी लोग हैं इस डर से घर में छुपे हुए बैठे हुए, अब वो लोग भी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं नरेंद्र मोदी जी के तरह। तो है भाई, संदीप भैया तो शुरू से दाढ़ी बढ़ाते रहे, बहुत दिनों में एक आध बार बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग और एकदम दाढ़ी मोज बाल सब बढ़ा ले, भाई हम अब इसका हजाम हम नहीं करेंगे। क्यों इतना डरे हुए हैं? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते तो घर में बैठे रहते? अगर आजादी का कोई जश्न मना रहा होता है और महात्मा गांधी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया घूम घूम करके सांप्रदायिकता का जो दंगा है उस पर वो काम कर रहे होते हैं, वो जश्न नहीं मना रहे, तो आप कैसे समाजवादी हैं कि घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठ करके आप कोरोना का जो इंतजार करें कब ठीक होगा, आप ठीक होगा? ये तो भूमिका लेने का दौर है। जब आजादी के आंदोलन में अभी भी हम लोगों ने इसी अगस्त क्रांति 9 अगस्त क्रांति दिवस को मनाया, तो लोहिया जी वहां जेपी हजारीबाग जेल तोड़ करके निकल जाते हैं, लोहिया जो है नेपाल से अपना आकाशवाणी चलाते हैं, रेडियो का प्रसारण करते हैं। तो ये भूमिका का लेने का दौर है, और इस भूमिका में अगर हम पीछे रह जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हो वहां पर तो थोड़ा हम कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि एक ब्लैक के ऊपर हमला होता है, उसे मार दिया जाता है, तो पूरे अमेरिका में जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है उनके राष्ट्रपति को बंकर में छुपना पड़ता है। कैसे नहीं है समाजवाद? समाजवाद मजबूत हो सकता है बशर्ते समाजवाद इस रूप में खड़ा हो, और जिनका किताब पढ़ते हैं रोज उनके विचारों को सुनते समझते हैं, तो सिर्फ सुनने समझने से नहीं होगा, हमको फील्ड में उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरने पड़ेगा। हम लोहिया जी का खूब नारा पड़े हैं कि सड़कें सुनी हो जाएगी संसद आवारा हो जाएगा, तो फिर वही होगा, बहलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना फेंकेगा फंसना नहीं, बतौर हमको भूमिका लेनी पड़ेगी। जेल जा रहे हैं ना, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत सारे हमारे साथी हैं लगातार जेल जा रहे हैं, मैं भी जेल गया, तो जो जेल जा रहे हैं इतिहास उनका लिखा जाएगा कि ना वो कोरोना से डरा, ना नरेंद्र मोदी से डरा, ना आरएसएस से डरा, ना नीतीश कुमार से डरा, ना कोई इस दक्षिण पंथी जो शासक लोग हैं उनसे डरने का काम हुआ नहीं किया, और वो बोल रहे हैं जेल का कोई गम नहीं। बहुत सारे साथी जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव साथी जा रहे हैं, हर जगह से बोल रहे हैं, हम उनको सोशलिस्ट पार्टी की ओर से अपनी ओर से उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे ही लोगों की जरूरत है, और इसी पर आज लोकतांत्रिक आवाज बची हुई है। अन्यथा जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जो मनुवादियों का एक मॉडल केंद्र बना हुआ है कि वहां अगर आप जुबान खोलेंगे तो आप पर तुरंत रासुका लग जाएगा, कौन कौन सा केस निकाल के नया नया ले आएगा, संदीप भाई को घर में कैद कर लेंगे, हमारे जो सोशलिस्ट पार्टी के वहां के अध्यक्ष शोएब साहब हैं, एडवोकेट शोएब साहब बहुत बुजुर्ग हैं, उनको जेल में डाल दिया। तो हम उनको सैल्यूट करते हैं, इस दौर में वो खड़े हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए समाजवाद आएगा, ये हमें अपना एक मुकम्मल ये हम लोगों का सपना है कि निश्चित आएगा, ये उम्मीद भी है, और इसी उम्मीद पर तो भगत साहब जो है भगत सिंह हंसते हंसते सूली पर चढ़े थे, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बम फेंकते हुए कहा था इंपीरियलिज्म डाउन डाउन कैपिटलिज्म डाउन डाउन। ये कहने की जरूरत यहाँ के नौजवानों को है, ये कहने की जरूरत जो हमारे आइकॉन हैं जो लगातार समाजवादी विचारधारा पर काम करते हैं, उनको खुलकर सड़क पर आकर के जोरदार तरीके से बोलना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर समाजवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जरूरत है, और इस पर टिकने की जरूरत है। आप सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, उसके नेता हैं, और अभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरी परिस्थितियों को आपने दिखाया उसमें पार्टी
वो किस तरह की भूमिका लेनी चाहिए जिससे पार्टी जनता के सवालों को लेके लोगों को गुलबंद कर सके, और जो गैर मुद्दों पे राजनीति हो रही है उन मुद्दों को असली मुद्दों की तरफ ला सके, वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बस अभी हम उसी बात को कह रहे थे, अभी उसी को दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी अभी तुरंत से जो शिक्षा नीति पर बात हो रही है, इस देश के अंदर जो जाति जनगणना का सवाल है, एकदम से जाति जनगणना पे सवाल करना चाहिए। इस देश में सोशल जस्टिस स्थापित करने के लिए जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी होना चाहिए, चाहे वह न्यायिक व्यवस्था हो या फिर विधायिका हो, कार्यपालिका हो या मीडिया हो, इन सारे चीजों को क्रमबद्ध तरीके से इनको लेकर के सड़क पर उतरने की जरूरत है। और सोशलिस्ट पार्टी इसके लिए लगातार काम कर रही है। थोड़ा सोशलिस्ट पार्टी बिल्कुल अभी पुनर्गठित हुई है, 10-11 साल 2011 में हुआ, अभी तो 2020 है, 9 साल इस पार्टी का गठन का हुआ है। तो बहुत सारे जो हमारे पार्टी में वरिष्ठ लोग हुए हैं, मैं थोड़ा उनसे जूनियर हूँ, मेरी बातें थोड़ा उनको अटपटा भी लग सकता है, लेकिन चूंकि जो हम लोहिया को मानते हैं, हम यूसुफ मेहरली जी को मानते हैं, अच्युत पटवर्धन को मानते हैं, हमारे जो आइकॉन्स हुए हैं, तो वो सब तो नौजवान थे और नौजवानों ने बहुत मुखर होकर के इस बात को कहा था। मैं उसी हैसियत से अपने आपको इस मुखरता के साथ कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर सोशलिस्ट पार्टी को देशव्यापी आंदोलन छेड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो न्यायालय का, जो राम मंदिर बनाने का जो ये घोषणा है, असल में इस देश के अंदर आरएसएस को स्थापित करने का ये मंदिर है, ना कि किसी ये संप्रदाय का मामला है। उनको कहना चाहिए कि इस देश में, जैसे लोहिया ने घूम घूम करके कहा, पिछड़ा पावे सौ में सार, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में सार, क्लिक किया और आप देखेंगे कि पिछड़ों की राजनीति का एक बड़ा उभार आया। सोशलिस्ट पार्टी को अभी इस आधार पर बात करना चाहिए कि इस देश के धन धरती राजपाट में जो इतनी जिनकी संख्या है, जितनी जनसंख्या है, उसकी उसकी भागीदारी मिले, एक तो उनका जाति जनगणना कराए, दूसरा जो चुनाव का जो ये तौर तरीका है अब इसको बदलने की जरूरत है। चुनाव का ये तौर तरीका अब नहीं चलेगा, क्योंकि इस आधार पर चुनाव जो है वो बहुत गड़बड़ घोटाला हो रहा है। चुनाव में जो कैंडिडेट आएंगे उसका एक बैकग्राउंड होगा कि उसका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, जो उसका प्रचार प्रसार है वो गवर्नमेंट अपने एड से करेगा। और जो आप देखेंगे, जैसे हम अभी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े, हमें क्या होगा, 10,000 रुपये का हमें खरीदना पड़ेगा। पिछले चुनाव का अनुभव बताता हूँ कि 10,000 रुपये का फॉर्म मिलता है, फिर हमें 10 लोगों को चुनाव आयोग के सामने देना होता है कि मेरा ये 10 चुनाव है प्रस्तावक और समर्थक। लेकिन कोई पार्टी में है, अब पार्टी करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं। मैंने हिसाब दिया पिछले साल 1 लाख के समथिंग हमारा चुनाव में खर्चा हुआ, उसका हमने सबमिट किया, और जब मेरे जैसा आदमी 1-2 गाड़ी लेकर के 1 लाख, जिसका 10 गाड़ी चल रहा है, वो डमी कैंडिडेट खड़ा करके वो कर रहा है, तो ये सब चीज जो चुनाव सुधार का एक समस्या है, वो चुनाव सुधार का भी हमारे पास एजेंडा होना चाहिए। हमें एकदम जो ये व्यवस्था है, वर्णीय व्यवस्था, इस देश के अंदर वर्णीय व्यवस्था को जो काबिज करने वाला है उस पर हमको बोलना चाहिए। जो आरएसएस भाजपा है, एक तो हम लोगों का देश का राजधानी दिल्ली है, दूसरा जो आरएसएस का राजधानी नागपुर है, और नागपुर में कभी आप देखेंगे कि सिर्फ ब्राह्मण ही उसके अध्यक्ष बने, कभी दलित पिछड़े उसका अध्यक्ष नहीं बना आरएसएस का। इसको घेरना चाहिए कि यहां से घेरना चाहिए कि तुम कहते हो हिंदू हिंदू, कैसा हिंदू, ये 6,743 जाति वाला हिंदू। इसलिए वहां पे घेरने की जरूरत है, और सोशलिस्ट पार्टी पे मुखर के होकर के बोले, निडर होकर के बोले, कभी ये चिंता ना करे कि हमारी संख्या कितनी है। हमेशा आप तो देखेंगे जब कांग्रेस से टक्कर लिया, जिसका एक छत्र राज था, तो लोहिया उस समय उनको पार्लियामेंट के अंदर जो है 25,000 बनाम 4 आना का वो उनके सामने डाटा पेश करते। आज जरूरत है कि सोशलिस्ट पार्टी में हमारे संदीप पांडे जी जैसे लोग, पन्नालाल सोना जी जैसे, हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह अभी पार्टी में नहीं है, ऐसे बहुत सारे विद्वानों की तो ये पार्टी, बहुत सारे विद्वान और इंटेलेक्चुअल इसके अंदर है, तो ये जरूरत है कि हम इसको मुखर होकर के बोले और निर्भीक होकर के बोले। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और सोशलिस्ट पार्टी के तौर पर मुझे काफी खुशी है कि मुझे इन सब बातों को बोलने पर पूरी मुझे आजादी है। पार्टी की तरफ से हमें कभी कोई इस तरह से नहीं कहा गया कि गौतम जी आप यहाँ पर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, वहां ऐसे कैसे बोल रहे हैं। सामाजिक न्याय के संदर्भ में जो हम बोलते हैं, पार्टी उनका साथ देते हैं, पार्टी के अंदर भी हमारा डिस्कशन होता है,
और हम लोग फिर आकर के इस पर चर्चा करते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि कश्मीर के अंदर जो हमारा लोकतंत्र खतरे में चला गया है, वहां पर जो लोगों की आजादी छीन ली गई है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो है उनके साथ स्थिति खराब है, तो उन सब मुद्दों को लेकर के हमें अभियान चलाना चाहिए। और जो छोटे पूंजीपति है, छोटे छोटे जो फुटकर रोजगार करने वाले हमारे देश के रोजगार है, यहाँ का जो खादी रोजगार मर गया, गांधी का चरखा, गांधी का चश्मा, वो सब लगा लगा करके इनका वोट का काम करें, लेकिन आप देखेंगे कि देश के अंदर जितना जो अभी करा आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो, तो देश के सारे खादी ग्राम उद्योग संघ तो ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, बिल्डिंगे उसका जो मकान गिर गया हुआ, उसके छत पे खपड़ा नहीं है। तो ये सारे सब मुद्दे हैं, हमको लगता है कि ये भी आह्वान हम करते हैं आप सबके इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि सोशलिस्ट पार्टी ये ऐसी पार्टी है यहाँ आकर के अपने अभिव्यक्ति के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने समाज के निर्माण के लिए, भारत में एक नई राजनीति करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां से आकर के लोगों को लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए और अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। बाकी जगह तो पार्टी में लोग जा रहे हैं सेटिंग करने के लिए, कुर्सी की सेटिंग करने के लिए, धन कमाने के लिए, कांग्रेस के जीत में जाएंगे, भाजपा के लिए 3 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ की बोली लगेगी। क्या हो रहा है राजस्थान में, देखिए आप गए जीत के इधर से उधर चले गए, अभी मध्य प्रदेश में देखे कांग्रेस में आता है, पैसे पर बिक जाता है और वहां चला जाता है। तो जनता को भी इस बात को समझना होगा, पढ़े लिखे जो नौजवान है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो IITian है, ITI कर रहे हैं, जो प्रोफेसर लेक्चरर है, वो भी समझे कि आप जो इस दक्षिणपंथी राजनीति जो है ये वर्णीय राजनीति करने वालों के साथ अगर जाएंगे तो इस देश में खून खराबा बढ़ेगा, इस देश में व्यभिचार बढ़ेगा, इस देश में महिलाओं का हिंसा बढ़ेगा, और अगर ये सब बढ़ता है तो आग, वो कहते हैं ना कि आएंगे आग के जद में, तो जो आग लगेगी तो आएंगे सभी का जद में, इस मोहल्ले में मेरा ही मकान थोड़ी है। तो निश्चित रूप से इस देश में सबको बर्बादी झेलना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी सवाल करेंगे कि तुमने क्या किया। मैं आने वाले पीढ़ी से डरता हूँ कि वो जो सवाल मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैंने अपनी भूमिका तय की है कि मैं अपनी इस भूमिका में रहूंगा कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो उसके सामने मेरा सर नहीं झुके, सर उठा के रहे कि हम कुछ ही लोग थे, हम थोड़े ही लोग थे, लेकिन हम बोल रहे थे, सड़क पर चिल्ला रहे थे, और जो हमारे पुरखे हैं जिन्होंने समाजवाद का सपना देखा, उनके सिद्धांतों और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप बहुत साफगोई के साथ आप बताएं कि हम आने वाली पीढ़ी को दिखा सकें कि हम संघर्ष के मैदान में थे, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं और तमाम साथी इसी सपने के साथ ही लड़ते हैं। फिर भी मैं आखिरी छोटा सा एक सवाल करूंगा कि थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि सिर्फ जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी देश की राजनीति में आके उसको बदल सकती है, देश की राजनीति की धारा को बदल सकती है, और जो कृत्रिम मुद्दों पे राजनीति हो रही है उसको जनता के अपने असली मुद्दों पर ला सकती है, तो एक सक्रिय भागीदारी के साथ बदला जा सकता है। इस पे थोड़ी सी टिप्पणी, ये मेरा आखिरी बस एकदम एक छोटी सी टिप्पणी है महेंद्र भाई, कहते हैं कि जवानी जिधर जाती है जमाना उधर जाता है, ये हमारा जो भारत है, ये जो मुल्क है वो युवाओं का मुल्क है, तो ये इस देश का जो जवानी जो है वो मंदिर के घंटा बजाने में जो लगे हुए हैं वो लोकतंत्र का इस्तेमाल करे, लोकतंत्र में जो संविधान है उसको जाने समझे, और हमारा इस देश का जो डाइवर्सिटी मतलब जो विभिन्नताओं में जो एकता है उसके बुनियाद को समझे, और इस बुनियाद के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर से, उस बात के साथ कि जवानी जिधर जाएगा जमाना उधर जाएगा। हम लोग की बातचीत में अनेक साथी जुड़े हुए हैं, देश के अनेक वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर सुनीलम जी दिख रहे हैं, डॉक्टर सुनीलम जी समाजवादी समागम को लेके सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक हैं, दो दो बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, दो दो बार विधायक रहे हैं, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक मंडल में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से लेकर के और अनेक मोर्चे पर समाजवाद की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनीलम जी का स्वागत करते हुए आज की बातचीत में वो भी
कुछ जोड़े इसका मैं निवेदन करूं। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको भी और गौतम जी तो मेरे बहुत प्रिय साथी हैं और उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं और इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने पूरा एक घंटा उनके विचारों को सुना और जितनी स्पष्टता है उनकी वैचारिक वो तारीफ करने योग्य है और यही विचार जो है वही आगे जाकर के नतीजे निकालता है। उनके वो मुद्दों की भी समझ है, विचारिक भी स्पष्टता है और जो कठिनाइयां हैं जो चुनौतियां हैं उसको भी वो पूरा समझ रहे हैं। मतलब कि जिस किस्म का जातिवाद हावी है, पार्टियां जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती हैं वो सब कुछ उन्हें मालूम है और पिछले चुनाव का उनको अनुभव भी हो चुका है। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो पिछले चुनाव के अनुभव के साथ, और ज्यादातर उम्मीदवार जो होते हैं आम तौर पर जो उम्मीदवार हार जाता है वो उम्मीदवार घर बैठ जाता है और फिर इंतजार करता है कि चुनाव आएगा तो फिर चुनाव लड़ लेगा। ये पूरे देश के अंदर उम्मीदवारों के साथ में देखा जाता है, लेकिन गौतम भाई को मैं रोज सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पर सक्रिय देखता हूं और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर वो एक भी दिन घर पर नहीं बैठे। लोग घर पर बैठे इस बात की चिंता करते हुए कि जान बचाना जरूरी है, कि अगर जान बची तो आगे भी समाजवाद आएगा और आगे भी क्रांति होगी, लेकिन इसकी चिंता गौतम भाई ने नहीं की। और क्योंकि मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूं, उनके फॉर्मेटिव ईयर्स से जानता हूं, जब वो केवल खिलाड़ी हुआ करते थे, जब वो वैचारिक नहीं बने थे, तब से मैं उन्हें जानता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक दक्षता हासिल की है विचार को समझने में, जानने में, और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने भी उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का काम किया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, वो चुनाव लड़ें और वो चुनाव जरूर जीतें, ये मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय जो चुनौती है वो चुनौती पूंजीवाद की है, संघ परिवार की है, मानव अधिकारों को की रक्षा की है, भारत के संविधान की रक्षा की है और समाजवादी आंदोलन के मूल्यों को बचा करके और बना करके रखने की है। तो जो बात मैं समझ रहा हूं अगर उनके क्षेत्र के मतदाता भी समझेंगे, और मुझे लगता जरूर है कि अगर जो आज की पूरी चर्चा है जो आपके साथ में हुई है, आप अपने आप में बड़े क्रांतिकारी हैं, आपने कोसी के अंदर विस्थापितों को लेके उनके संघर्ष को लेकर के और अभी मक्का वाला जो आपने आंदोलन चलाया, तो आप खुद अपने आप में एक बड़ी मिसाल हैं युवाओं के लिए कि युवाओं को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी चर्चा आज हुई है इसे अधिक से अधिक युवाओं तक, मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को करना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये भी खर्चे का काम है, अगर हर वो व्यक्ति जिसके पास में व्हाट्सएप है इनके विधानसभा क्षेत्र में उसके पास में ये अगर वीडियो पहुंचाना है तो इसके अंदर भी एक बड़ी रकम खर्च होने वाली। लेकिन हम लोग केवल वर्चुअल मीडिया से राजनीति नहीं करते, मैदान में राजनीति करते हैं, और इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ही थोड़ा संक्रमण ये कम होगा तो वे जरूर सावधानी भी जरूर रखने का काम करेंगे। सावधानी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सावधानी रखते हुए वो अधिक से अधिक लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का वो प्रयास करेंगे। और मैंने ये भी देखा है, जितना चुनाव का मुझे अनुभव है, लोग भी ये देखते हैं कि हम इसको हरा देते हैं इसके बाद भी ये लगा रहता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है।
मतदाता जो है इसके मन में बहुत बड़ी एक जिसे सिंपैथी कहते हैं वो पैदा होती है, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि एक बार हरा देने के बाद में आदमी, और बुरी तरह से हरा दो तो फिर आदमी बुरी तरह से बैठ जाता है, खींच जाता है, गाली देने लगता है मतदाताओं को। लेकिन जिस तरीके से इनकी सक्रियता रही है तो मुझे काफी उम्मीद बनती है। और क्योंकि बिहार जो है वो जेपी की धरती है, समाजवादियों की धरती है, पूरा सोशलिस्ट मूवमेंट जो है वहां पर जो है वो एक मूल्यों के अंदर लोगों के रचा बसा हुआ है, तो असली समाजवादियों की पहचान भी बिहार के मतदाता करेंगे। और जो समाजवाद के नाम पर जो भी फर्जीवाड़ा बिहार के अंदर कई पार्टियां कर रही हैं, कई नेता कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके जो वास्तव में आज जिस समाजवाद की, जिस विचार की, जिस तरीके के उम्मीदवारों की जरूरत है। और अंत में केवल ये कहते हुए कि अब जो कुछ संभालना है वो युवाओं को संभालना है, और उसके अंदर महेंद्र जी आप भी शामिल हैं और गौतम जी भी शामिल हैं, और हम सब लोगों के जो मार्गदर्शक हैं वो संदीप पांडे जी हैं, और संदीप पांडे जी के आदेश के ऊपर ही मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी देश में चल रहा है उसके अंदर भी लगातार गौतम जी और आप भागीदारी करते रहेंगे। विशेष तौर पर मैं प्रशांत भूषण जी के मामले में जिस तरीके से अन्याय किया जा रहा है उनके ऊपर अवमानना के नाम पर, उसका भी आप लोग संज्ञान लेकर के और उसका भी विरोध गौतम जी अपने क्षेत्र के अंदर उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तो चुनाव रहेगा। और अभी तो पूरी प्रणाली को ही बदलने की कोशिश हो रही है कि शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाने की बात है, जो बात आज अमेरिका में खड़ी हो गई है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, लोगों को आशंका आ गई, और वहां पर तो मिलिट्री के लोग बोल रहे हैं कि आदमी चुनाव होने के बाद हार जाएगा, हटेगा नहीं, तो मिलिट्री को तैयार रहना चाहिए इसे हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो देश के अंदर भी बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो गई हैं लोकतंत्र के लिए, और उसमें गौतम जी जैसे युवा वही नेतृत्व करेंगे। और बराबर बिहार ने आजादी के आंदोलन के अंदर भी युवाओं का साथ दिया, जेपी आंदोलन में भी युवाओं का साथ दिया, तो आगे भी बिहार युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का काम जरूर करेगा। इस आशा विश्वास के साथ में आपको धन्यवाद देते हुए और गौतम जी को शुभकामनाएं देते हुए और संदीप पांडे जी को धन्यवाद देते हुए, आप लड़िए, दम के साथ में लड़िए। मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आऊंगा, जहां पर आप जो ड्यूटी लगाएंगे वो काम मैं करूंगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप तो आते ही हैं, आप पूरे देश में ऐसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत हैं, और चलते फिरते आंदोलन है एक तरह से कहा जाए तो। और मैं डॉक्टर संदीप पांडे जी, जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ बताएं। जी, एक घंटा हो गया है इस कार्यक्रम को, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसको खींचना चाहता। पहले तो मैं डॉक्टर सुनीलम का धन्यवाद दूंगा कि बहुत कम समय की सूचना पे वो इस कार्यक्रम में शामिल हो गए, पर मुझे पूरा भरोसा था कि वो आएंगे, क्योंकि वो पिछली बार गौतम कुमार प्रीतम के चुनाव में प्रचार के लिए गए थे, जबकि सोशलिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता थे वो वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। मैं भी पहुँचा था लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी लेट हो गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस देश से विचारधारा की राजनीति खत्म हो रही है, और आप देख रहे हैं कि एकदम अवसरवाद की राजनीति हावी है, और जिन शक्तियों का हम मुकाबला कर रहे हैं उनका क्या चरित्र है उसको गौतम भाई ने, डॉक्टर सुनीलम ने बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपा करके इस देश में अगर वैचारिक राजनीति को वापस स्थापित करना है
इस देश के संविधान के मूल्यों के हिसाब से ये देश चलना है। अगर वो चाहते हैं, वो अगर ये चाहते हैं कि मनमाने ढंग से जिस तरह से देश की नीतियां बनाई जा रही हैं कॉरपोरेट के हित में, या मंदिर के नाम पे राजनीति हो, या इस तरह की राजनीति जिससे इस देश के जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, तो आप सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार गौतम कुमार प्रीतम को ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी को देश के अंदर स्थापित करने में हमारी मदद करें, ताकि हम एक सही किस्म की राजनीति जो जनता के हित में है उसको हम देश में ला सके। बस इतना ही कह के मैं आपका धन्यवाद कहूंगा और गौतम कुमार प्रीतम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बार चुनाव और जरूर जीतेंगे, और मैं डॉक्टर सुनीलम और सारे लोग उनके पीछे अपनी शक्ति लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और किसी साथी को कुछ जोड़ना हो तो बात रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग समापन की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरी बात कि ये जो लड़ाई है वो देश के संविधान बचाने की लड़ाई है, आदमी के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। जो अभी हम लोगों ने सड़कों पर देखा है लॉकडाउन में, उससे निकलने की लड़ाई है, और उस लड़ाई की अगुवाई हमारे युवा साथी बीहपुर से गौतम प्रीतम जी करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि वहाँ की जनता भी एक बार सोचे और इनको मौका दे, इनके साथ आए, इस देश के बदलने के, देश को बचाने के संघर्षों में साथ खड़ी हो। अगर किसी साथी को जोड़ना है तो रखिए, नहीं तो हम लोग इसी महेंद्र जी, महेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दल बल के साथ में रहेंगे इस बार। अगर आप खुद चुनाव नहीं लड़े, हम तो चाहते हैं कि आप स्वयं ही चुनाव लड़े, लेकिन आप अगर चुनाव नहीं लड़े तो दल बल के साथ में आप गौतम प्रीतम जी के साथ में यहाँ पर जरूर खड़े रहेंगे, ऐसा जो है हमारा आपसे अनुरोध है। आप खुद चुनाव लड़ते हैं तो ठीक ही है, कोई बात ही नहीं है, वो लड़ना जरूरी है। मुझे लगता है आपको भी चुनाव का अनुभव होना बहुत जरूरी है। ये चुनाव का जब तक आप कीचड़ में नहीं उतरेंगे तब तक मामला सफाई नहीं होने वाली है, तो ये बात गौतम जी ने तो समझ ली है लेकिन आप अभी तक समझे नहीं है, और इसलिए इस चुनाव के अंदर आप भी विचार करिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर, या जो भी आप जिस तरीके से चुनाव को आप देखते हैं, लड़ना चाहते हैं, उसके ऊपर आप भी विचार करिए। नहीं तो मिलकर के हम लोग जो है गौतम जी के लिए जो संभव होगा वो हम लोग जरूर करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हम लोग पहले भी हम बातचीत में कह चुके हैं कि हम लोग गौतम जी के साथ रहेंगे, जितने भी हम लोग की छोटी-सी ताकत है पूरे सामर्थ्य के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। चुनाव लड़ने वाला नहीं, हमारे संगठन से कुछ साथी विचार कर रहे हैं कभी लड़ भी सकते हैं, अभी वो कन्फर्म नहीं हुआ है, लड़ना होता तो अभी तक तैयारी हो गई होती। और मेरा जहाँ तक चुनाव के अनुभव की बात है, इस पे सफाई नहीं देना है, मैं छह संघ का चुनाव भी लड़ा था और गांव का स्थानीय चुनाव भी लड़ा और लड़ाया, और लड़ाने के बाद से मैं चुनावी राजनीति से अलग होके सामाजिक काम करने लगा, और वो एक बहुत पीड़ादायक दौर था जो चुनाव था। और मैं जो अनुभव, छोटा सा ही अनुभव है, इतना व्यापक अनुभव नहीं है, इसलिए मैं कीचड़ में उतरा हूँ, वहां से ही निकल के सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम मतलब चुनावी नहीं लड़े हैं, चुनाव जानते नहीं है। हाँ, अभी हम मेरी शारीरिक स्थिति थोड़ी दिक्कत चल रहा है, इसलिए मैं सक्रिय राजनीति में अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो लोग सक्रिय राजनीति कर रहे हैं हम लोग उनके साथ हैं। और अन्य साथियों को कुछ जोड़ना हो तो जोड़े, नहीं तो हम जितने लोग जुड़े इस चर्चा में और आगे भी इसको जो देखेंगे, सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद के साथ इस बातचीत को हम लोग समाप्त करते हैं। गौतम जी कुछ जोड़ना चाहें आप तो? जी, मैं फिर से डॉक्टर सुनीलम साहब का, संदीप भाई का, आपका और बॉबी जी का, जो अभी वो टीम को पूरे सब जगह पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जितने भी हमारे साथी, हमारे जो श्रोता अभी इस पे जुड़े हैं, आप सबका हम एक बार पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और अंतिम आह्वान करते हैं, आइए हम मिल करके लड़ें, इस देश को बचाएं, इस संविधान को बचाएं और इस देश की जो मानवता है उसको बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।